खबर महाराष्ट्र से है, जहां खराब परफॉर्मेंस के बाद एनडीए में कलह बढ़ती जा रही है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता हैं, नाम है रामदास कदम। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत में कहा, लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट को देरी से सीटें मिलने की वजह से कई जगह पर हमें नुकसान हुआ है। रामदास कदम ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ खुद इस वक्त रामदास कदम जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे भाजपा की सीटें 2 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गई, जाहिर हो गई, वैसे ही अगर एकनाथ शिंदे जी को जो 15 सीटें दी गई वो अगर 2 महीने पहले ही जाहिर होते थे तो आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के 13 या 14 सीट आती थी। लेकिन एंड मोमेंट पे जब एबी फॉर्म भरने का है उसी टाइम वो दी गई और देने के बाद भी वहाँ पे हंगामा हुआ कि नहीं ये हमें चाहिए। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती की है कि आइंदा ऐसा नहीं होवे, जो शिवसेना की सीटें है वो शिवसेना लड़ेगी, जो भाजपा का सीट है भाजपा लड़ेगी, जो राष्ट्रवादी की सीट है अजीत दादा की वो अजीत दादा लड़ेंगे। वहाँ एक दूसरे ने टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बात तो आपने सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परम मौजूद है। मतलब वैभव, ये तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सीधे सीधे महाराष्ट्र में एनडीए की हार के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर रुख तो बीजेपी के पास ही गया है। रामदास कदम जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने से, उद्धव ठाकरे से लेकर अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। देखिए, ये साफ तौर पर तय हो गया है कि आने वाले विधानसभा के लिए अब एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर है और बढ़ती दिखाई देख सकती है। और दूसरी बात रही बात तो लोकसभा के बाद पहले आरएसएस ने अजित पवार के ऊपर निशाना साधा, फिर अभी अजित पवार की जो सहयोगी पार्टी है एकनाथ शिंदे की, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को बोल रहे हैं कि अजित पवार थोड़े और देरी से आते तो अच्छा हो जाता था। दूसरी तरफ उसी खुले मंच पर, स्थापना दिन के मंच पर रामदास कदम ये कहते हैं कि अगली बार एकनाथ शिंदे जी अगर आप मोदी और शाह को मिलेंगे तो मुझे लेके जाना, मैं उनसे बार्गेनिंग करूंगा और जो जीतने वाली सीट है मैं उनसे हासिल करूंगा, क्योंकि ये तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र को पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ ये अंदर की ही तोड़फोड़ की राजनीति है वो अभी हमारे समझ में आ रही है, तो इसको कहीं ना कहीं आप रुकाओ, ऐसे संकेत खुद रामदास कदम ने खुले मंच पर स्थापना दिन के मुहूर्त पर एकनाथ शिंदे को दिया। तो देखना यह होगा कि भाजपा इस तमाम जानकारी के लिए, और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने है, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में एनडीए हार से हिला ये तो नजर आ रहा है। ऐसे में शुक्ला जी, अब सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में क्या राहें ये लोग अलग कर लेंगे या फिर ये जो पोस्टरिंग की जा रही है ये सिर्फ इसी गठबंधन में अपनी हैसियत और बढ़ जाए इसकी कोशिश है? देखिए, एकनाथ शिंदे जी की तरफ के नेता की तरफ से जो बयान दिया गया है, मेरा अपना मानना है कि ये दबाव की राजनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में देर से टिकट दी गई, ये हवाला देके वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी ये पहले क्लियर कर दीजिए। पहले क्लियर होने से उनके पास दोनों विकल्प खुले रहेंगे कि हम यहाँ रहें या यही छोड़ के चले जाएं। ठीक, अक्कू जी। तय बात है कि ये दबाव की राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक शिंदे का सवाल है, शिंदे इस समय कंफर्टेबल स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और वो उतनी बार्गेनिंग किसी और जगह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ये जरूर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको जो सीटें अभी इनके हिस्से में आनी है उससे ज़्यादा आए, और ताकि हैसियत बढ़ाने की कोशिश है गठबंधन। बिल्कुल, हैसियत बढ़ाने की कोशिश है, और खासतौर से लोकसभा चुनावों में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया शिंदे साहब ने वो लग रहा था कि बहुत खराब रहेगा और भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी, उससे उलट उन्होंने किया तो उनकी थोड़ी सी ताकत वैसे भी बढ़ गई है। लेकिन वो कहीं जाएंगे या आएंगे ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सब कम विधायक होने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री बने रहने से उनकी कोई संभावना नहीं कि किसी दूसरी जगह वो जा रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें और सही सीटें मिल सकें, दो चीजें हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए 288 सीटों के लिए वो चाह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि उन्हें 100 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए उनकी पार्टी को लड़ने के लिए, और इसका एक दावा इसलिए भी मजबूत बनता है कि अभी अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें 7 सीटें मिली, भाजपा को 9 मिली, तो इस आधार पर वो मजबूती से अपना दावा रख रहे हैं। और एनसीपी जो
साथी था उसको सिर्फ एक सीट मिली, तो 288 में वो 100 का दावा इसी आधार पे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को थोड़ा सा पीछे हटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस लोकसभा चुनाव अभी अभी जो हुए हैं उसमें उनका प्रदर्शन इनके मुकाबले बहुत अच्छा। ये तो देखना होगा कि बीजेपी थोड़ा पीछे हटेगी या नहीं हटेगी, ये तो अभी देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।